इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मैकबुक और आईफोन के 10 ऐसे फीचर्स जो कि साथ में मिलके काफी बढ़िया काम करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जैसे आप अपने आईफोन के कैमरे को अपने मैकबुक में यूज कर सकते हैं वायरलेसली। आपको सिंपली ओपन करना है फोटो बूथ को और आप अपने आईफोन का कैमरा अपने मैकबुक में यूज कर सकते हैं। बात करें दूसरे फीचर के बारे में, तो आप इसमें यूज कर सकते हैं एयर ड्रॉप, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया और काफी ज्यादा फास्ट है। जैसे मैंने ये कुछ बहुत सारी थंबनेल की फोटोज क्लिक करी थी, मैं इसमें भेज देता हूँ, पहले दिखाता हूँ भेज के। यहाँ से मैं इस पे मैकबुक एयर सेलेक्ट करता हूँ और ये मेरा फोटो सीधा मैकबुक में अंदर चला जाएगा और इतना फास्ट ये फोटो इसमें आ गया और बिना किसी डेटा केबल के। फिर उसके बाद आता है मिररिंग फीचर। यहाँ से मैं अपने आईफोन को मैक के साथ मिरर कर सकता हूँ और बहुत ही फास्ट तरीके से। यहाँ से मैं मैकबुक एयर सेलेक्ट करता हूँ और मेरा आईफोन इस पे कास्ट हो जाएगा। मेरा आईफोन इस पे कास्ट हो गया और मैं कुछ भी चला सकता हूँ और ये इस पे दिखेगा। जैसे ये मैं YouTube खोल देता हूँ, यहाँ से कोई अपनी वीडियो चला लेते हैं, इसको चला लेते हैं। और यही नहीं, जो iPhone का साउंड होता है iPhone से नहीं आता, Mac से ही आता है। फिर उसके बाद आता है सफारी। मैं यहाँ से सफारी में कुछ भी सर्च करता हूँ, जैसे मान लो मैं सर्च कर देता हूँ यहाँ से इस टेक रेडिएटर, टेक ही सर्च कर देता हूँ सिर्फ। यहाँ से मैंने टेक सर्च कर दिया, वहाँ पे कुछ और लिखा गया तो यहाँ पे मुझे दिख जाएगा फ्रॉम सफारी और मैं इस पे क्लिक करके सेम चीज इस पे भी देख सकता हूँ। जैसे मैं ATEC लिखा गया है मुझसे, तो ये इसमें भी ATEC दिखा रहा है और सेम चीज आप मैकबुक में भी देख सकते हो और इसमें भी देख सकते हो। और जैसे मान लो कि मैं इसको काट देता हूँ यहाँ से और मैं एक नया टैब बनाता हूँ और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ स्पीड टेस्ट और मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ, तो देखो यहाँ पे भी क्रोम बन के आ गया और मैं इस पर क्लिक करके स्पीड टेस्ट इसमें कर सकता हूँ डायरेक्ट। तो देखो इसमें स्पीड टेस्ट कर सकता हूँ मैं, तो ये भी काफी कूल सा फीचर है जो कि सफारी का फीचर है। फिर उसके बाद बात करते हैं और सारे फीचर्स के बारे में। मुझे कॉपी करना है कुछ नोट्स अपने, मान लो जैसे मैं नोट्स ओपन कर देता हूँ इसमें, यहाँ से नोट्स ओपन कर उसके बाद मैं चला जाता हूँ इसमें, जो मैंने फीचर्स लिख रखे हैं वही मैं कॉपी करता हूँ। और जैसा कि इसमें भी ये दिखा रहा है सारा चीज, बट मैं एक नया टैब बनाता हूँ, ये नया टैब मैंने बनाया और ये सारा चीज़ मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं कॉपी और मैं सिंपली इसमें कमांड प्लस भी दबा देता हूँ और सारा चीज़ इसमें पेस्ट हो जाएगा। और यही नहीं, कुछ भी मैं पेस्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको हटा देता हूँ सारी चीज़ों को और मैं चला जाता हूँ सफारी पे और यहाँ से कुछ भी सर्च कर देता हूँ। जैसे मान लो इसी को मुझे कॉपी करना है, ये जो भी है जो कुछ भी लिखा है इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और सिंपली मैं यहाँ इसको CTRL कमांड प्लस भी दबा देता हूँ, ये सारी चीज़ इसमें पेस्ट हो गई। और यही सेम चीज़ आप मैक से भी कॉपी करके आईफोन में पेस्ट कर सकते हो और आईफोन से कॉपी करके बैंक में पेस्ट कर सकते हो, तो जो कि काफ़ी सीमलेस होता है और काफ़ी मस्त से काम करता है। फिर उसके बाद आता है नोट्स में एक और फीचर है। जैसे मैं नोट्स यहाँ से ओपन करता हूँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ से कुछ मान लो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ पहले, मान लो मुझे कुछ इसमें फोटो ऐड करना है, यहाँ से मैं टेक फोटो पर क्लिक करता हूँ और ये डायरेक्ट आईफोन में फोटो ओपन हो जाएगा और मैं यहाँ से इस फोटो को क्लिक करता हूँ कुछ भी और ये डायरेक्ट मैं यूज फोटो कर दूंगा तो ये सिंपली इसमें चला जाएगा डायरेक्ट। और यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे मान लो यहाँ से स्कैन डॉक्यूमेंट कर सकते हो या तो मुझे कोई स्केच ऐड करना है, तो देखो इसमें आ गया, मैं इसमें अपना सिग्नेचर ऐड कर देता हूँ, जैसे AIUSH ये थोड़ा आंसर लिखा हुआ है, फिर मैं इसको डन कर देता हूँ और यहाँ पे इसमें नीचे ऐड हो जाएगा ये चीज़ यहाँ पे आ गया, जो कि काफी ज्यादा फास्ट है और काफी बढ़िया भी है। और फिर उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में, जो कि है फाइंडर। अगर मुझे नहीं पता कि मेरा आईफोन कहाँ पे है तो मैं अपने मैक से पूछ सकता हूँ, हे सीरी, देखो तो ना हे सीरी, मैं किसी एक में सर्च करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लो मुझे फाइंड करना अपने मैक को, तो हे सीरी वेयर इज माई मैक, लुकिंग फॉर आयुष मैकबुक, It's nearby. Pinging your MacBook now. देखो मेरे मैक से आवाज आने लगी और इस टाइप से मैं अपने आईफोन को भी ढूंढ सकता हूँ सीरी से। इसमें एक्टिवेट नहीं हो रहा क्योंकि इसमें हो जा रहा है बार बार, तो सेम तरीके से आप आईफोन को भी ढूंढ सकते हैं अपने मैक से। फिर उसके बाद और फीचर्स के बारे में बात करते हैं। और फिर इसके बाद अगर मेरे आईफोन पे कॉल आता है तो मेरे मैक पे भी कॉल आएगा, मैं किसी से भी रिसीव कर सकता हूँ। तो मैं दिखाता भी हूँ आपको कि कैसे मैं अपने आईफोन की कॉल को अपने मैक में रिसीव कर सकता हूँ। देखो इस पे कॉल आ रहा है तो मेरे मैक पे भी कॉल आ रहा है, मैं या तो यहां से रिसीव कर सकता हूँ या तो अपने मैकबुक पे रिसीव करता हूँ। मैं अपने मैकबुक से इसको रिसीव कर लेता हूँ और ये कॉल मेरे मैकबुक पे आ चुकी है और मैं अपने मैकबुक से बात कर सकता हूँ। मतलब किसी से भी बात करना है तो मैं अपने मैक से बात कर सकता हूँ, मेरा फोन कहीं पे भी पड़ा होगा
फिर भी मैं अपने मैकबुक से बात कर सकता हूँ, फोन की जरूरत नहीं मुझे। तो ये था एप्पल का इकोसिस्टम, और ये हर डिवाइसेस के साथ काम करता है, चाहे वो एप्पल वॉच हो, एयरपॉड्स हो, आईमैक हो, मैकबुक हो, या ये आईपैड हो, या तो आईफोन हो, सभी डिवाइसेस के साथ ये काफी सीमलेस तरीके से काम करता है। तो बस फिलहाल के वीडियो में इतना ही था, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम लोग मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और क्वालिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होगी क्योंकि मेरे पास एक ही फोन है और जिसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इसी को दिखाना भी है, तो मैं ये फोन से रिकॉर्ड करूंगा, पोको X3 प्रो से, तो क्वालिटी थोड़ा सा लो हो सकता है।